ESPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर सियासत गर्म हो गई है। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी दौसा पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ये पता नहीं लगाना चाहते कि देश में पिछड़े लोग कितने हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने संसद में कहा कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि देश में किसकी कितनी आबादी है। अगर हमें यही पता नहीं होगा तो फिर भारत माता की जय के नारे में शक्ति कहां से होगी। पहले पीएम खुद हर भाषण में कहते थे कि मैं ओबीसी जाति से आता हूं, लेकिन जिस दिन मैंने संसद में कहा कि अब पता लगाते हैं कि भारत में ओबीसी कितने हैं, उस दिन से पीएम का भाषण बदल गया और कहने लगे कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, सिर्फ गरीब हैं। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ओबीसी कहकर 12,000 करोड़ का नया हवाई जहाज खरीद लिया है और रह रहकर हर घंटे कपड़े बदलते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं। जब पिछड़ों को रोजगार नहीं मिलता तब आप ये नहीं कहते कि जाति नहीं है। आदिवासी का अपमान होता है तब आप नहीं कहते कि जाति नहीं है। राहुल ने कहा कि आप इस गलती में ना रहें कि देश में एमपी एमएलए चलाते हैं, देश तो अफसर चलाते हैं। पीएम की टीम में शामिल वो 90 अफसर देश चलाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर देश में ओबीसी की आबादी 50% मान ली जाए तो इस 90 अफसर में कितने ओबीसी अधिकारी होने चाहिए। अगर आदिवासियों की आबादी 12% तो फिर 90 अफसरों में आदिवासी अधिकारी कितने। अगर 100 रुपए का बजट है जिसे 90 अधिकारी बांटते हैं तो फिर उसमें ओबीसी की भागीदारी कितनी होनी चाहिए। ये जो पूरे देश में ओबीसी युवा सामान्य वर्ग के गरीब युवा जो भटक रहे हैं उसका वजह क्या है। इस देश के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना है। जिस दिन जातीय जनगणना हो जाएगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी जी ने 14 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, ये देश के उद्योगपतियों का है। जिन उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ है उसमें एक भी ओबीसी दलित और आदिवासी नहीं है। आप कुछ भी खरीदते हो आपकी जेब में पैसा जाता है, जितनी जीएसटी आप देते हो उतना ही बाकी उद्योगपति देते हैं, फिर कर्जा केवल कुछ ही लोगों का क्यों माफ होता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ESPN 9 न्यूज।